महेश्वर तहसील के ग्राम भुदरी में लगभग 15 लाख की लागत से भव्य आकर्षक मंदिर बनाया जा रहा है, जिसमें रामनवमी के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण और संत सिंगाजी महाराज के पद चिन्ह पागलिया की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना 3 दिवसीय यज्ञ पूर्णाहुति हुई। संत सिंगाजी महाराज के मंदिर शिखर पर कलश हेमन यादव दिलीप यादव ने चढ़ाया। तत्पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था और फुवारा सिस्टम भी लगाया गया, जिसमें भक्तों को प्रसादी ग्रहण करने एवं गर्मी से बचने में आसानी रहे। ये सारी व्यवस्थाएं पूरी गांव के युवाओं एवं ग्रामवासियों के सहयोग से की गई थी। गौली समाज के प्रेमचंद जी गौली ने बताया कि इस अधूरे मंदिर की प्रथम सीढ़ी पर 3 वर्ष पहले बाबा संत सिंगाजी महाराज के कंकु से बने पगलिया दिखे, जिन्हें 3 वर्ष से गांव वाले पूछते आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इस मंदिर स्थल पर आए दिन कार्यक्रम और तोला धान भी उतारा जाता है। यहां पर दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आज भगवान को 56 भोग भी लगाया गया और शाम को महाआरती जयपाल जी यादव की ओर से की जाएगी। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। कार्यक्रम हो रहा है भंडारे के संबंध में, क्या उपलब्ध, किसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? ये हमारे संत सिंगाजी महाराज जो कि हमारे वो 2018 जिनके पक्षी में निकले थे जी, उसके बीच में बाबा ने हमको दर्शन दिए जी। दर्शन देने के पश्चात बाद में हमने मंदिर निर्माण का कार्यक्रम पूरा किया। उसके बाद 3 रोज का यज्ञ हवन होता, उसके पश्चात श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापना, हमारे गांव के सहयोग भुदरी से श्री बालाराम जी पटेल एवं समस्त गौली समाज, प्रेमचंद भाई गौली और पूरे समाज की, जिसे नाम बताने में टाइम लगेगा, पर हमारे पूरे समाज जैसे गांव पूरा गांव पकड़ लो, उनके माध्यम से आज बाबा का कार्य पूरा हुआ है। ये मंदिर निर्माण में लगभग लागत कितनी लगी हुई है? ये मंदिर निर्माण में लगभग 15 लाख के आसपास लगी हुई होगी। और ये भंडारे का कार्यक्रम कब से सुबह से चल रहा है लगभग? बाबा का भंडारे का कार्यक्रम हमने रखा है, सुबह से 10 बजे चालू किया हुआ है। ये कब तक चलेगा वैसे? जैसे प्रभु इच्छा तक, प्रभु की इच्छा हो तब तक चलेगा, तब तक प्रभु चाहेंगे 4 बजे 6 बजे। और आप इस मंदिर निर्माण और भंडारे के संबंध में आप लोगों को और क्या सराहनीय राय देते हो? मैं तो यही राय देता हूँ, आप सब अपने संगठन बनाए रखें और हर धर्म के काम में आगे बढ़े, हर समाज भाई हो तो चाहे कोई भी हो, समाज के प्रति इकट्ठे रहें और बाबा के कार्य में हमेशा आगे रहें। इसी के साथ आप SW24 न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं, ये लाइव न्यूज़ चैनल चलेगा, आप जो आज का जो कार्यक्रम है ये आपको लाइव दिखाया जाएगा। इसी के साथ सभी भाइयों को जय सिंगाजी की। जो व्यवस्थाएं देख रही है कैसी लग रही है आपको? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था अच्छी है, हो रहा है ये भंडारा। आए भी हुए हैं और कोई समस्या भी नहीं आ रही है, प्रसादी भी वितरण हो रही है। जय सिंह भाइयों को एक बार सभी बोलेंगे जय। बच्चे से लेके बड़े से लेके छोटे बच्चे का सब सहयोग प्रदान कर रहे हैं और यहाँ पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। भंडारा चल रहा है महाराज का, आज भी जनता से निवेदन है भंडारे का लाभ उठाए। माजी बोलो बोलो हमारे यहाँ पर आपसे देख रहे हैं ये
यह हमारे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से एवं सभी भक्तों के सहयोग से मंदिर का निर्माण हुआ है। और जो हम आपको कराएंगे। जय श्री हरि। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ दान काउंटर, दान राशि के लिए जो दान काउंटर भी लगाया गया है, जहाँ पे प्रसादी भी दी जा रही है। और हमारे जो भी ग्राम के उसके बाद भी बहुत से लोग हम देख रहे हैं, जैसे भक्त देखो भक्तों की कैसे लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, और दूर दूर से यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं। और संत सिंघा जी महाराज की श्रद्धालु भोजन कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, जैसे गर्मी, अभी गर्मी की तपन बहुत ज़्यादा लग रही है, उसको समझ हमारे भक्तों ने फुहारे का सिस्टम भी लगाया है। जो आप देख रहे हैं सभी भक्त इतने आराम से भोजन कर रहे हैं, हमारे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से भंडारे का आयोजन रखा गया है, क्योंकि गाँव वाले गाँव का सबसे बड़ा योगदान है। वहाँ का हमारा एक छोटा से लगा कर बड़े तक हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग इस कार्यक्रम में बड़ी लगन से काम कर रहा है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि संत सिंघा जी महाराज की महिमा सभी भक्तों पर रहे, और हमारे बाबा का जो मंदिर बना है इसके साथ पूरे गांव में हर समुदाय के साथ ये कार्यक्रम मनाया गया है। जय सिंह इतना बढ़िया आनंद आ रहा है, और सभी भक्त बड़ी मजे से यहाँ पे भोजन कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत कम जगह देखने को मिलती है, पर हमारे गाँव की एक मांग थी और सभी के सहयोग से आप देख रहे हैं इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। चलो इसी के साथ हम आगे हमारे भक्तजनों से भी बात करेंगे कि कैसे कैसे उनको कार्यक्रम कैसा कार्यक्रम लग रहा है। हमारे गाँव के हमारे यहाँ के भंडारे के बारे में जानते हैं, लेकिन किस प्रकार भंडारा हो रहा है? बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी युवाओं का साथ और सबका विकास दिखा मुझे, क्योंकि दोस्तों ये एकता के प्रतीक है भंडारा, जो कि यहाँ पे सभी एकता होता है और यहाँ पे सब एकता का प्रतीक देता है, क्योंकि दोस्तों यह मौका बार बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।